सो गाइस ये हमारे पास राम सेतु वाला पत्थर जिसको गाइस हम रामशिला भी बोलते हैं। और गाइस ये वही पत्थर है जिसकी मदद से राम भगवान ने राम सेतु को बनाया था। और गाइस ये पत्थर पानी के अंदर डूबता नहीं है बल्कि गाइस ये पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। और गाइस जिस रामशिला को मैंने ऑनलाइन मंगाया है चलो अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं और गाइस फिर इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। पैर इसको खोलने के बाद इस पर एक राम जी भगवान की फोटो निकली है। और गाइस इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे सामान निकले हैं। इसके अंदर है चावल और ये है सिंदूर और गाइस ये है गंगा जल और गाइस जिसके अंदर है राम मंदिर की पवित्र मिट्टी। तो चलो अब हम देखते हैं हमारी रामशिला को। पर ये है हमारा वो रामशिला वाला पत्थर और गाइस जी हाथ में बहुत ही ज्यादा हल्का लग रहा है। चलो अब इसको पानी में डुबो करके देखते हैं कि ये पानी के अंदर डूबता है या फिर नहीं। और गाइस जिस पत्थर के ऊपर पेंट भी हो रखा है। सर यहाँ पर मेरे पास दो पत्थर हैं और गाइस जिनका लगभग साइज सेम ही है। अगर हम नॉर्मल पत्थर को हाथ से मारते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड है लेकिन गाइस ये वाला पत्थर अंदर से इतना सॉलिड नहीं लग रहा है। तो अभी इसका वजन 210 ग्राम 210 या 211 ग्राम आ रहा है लेकिन गाइस अगर हम इस पत्थर का वजन मापे तो ये लगभग 868 ग्राम का है। चलो इसको पानी में डुबो करके देखते हैं। यार चलो अब मैं को इस पानी के अंदर डालता हूँ और गाइस ये भी इसके साथ ही आया था। गाइस लुक इट, ये पत्थर इसके अंदर नहीं डूबा है और गाइस ये ऊपर ही तैर रहा है। वैसे गाइस इस पत्थर का वजन बहुत ज्यादा है लेकिन गाइस ये फिर भी इसके अंदर नहीं डूब रहा। चलो इसको इस बड़े वाले ग्लास के अंदर ट्राई करते हैं और गाइस इसके अंदर भी तैर रहा है और गाइस मैं इसको कितना भी डुबोने की कोशिश करूं ये डूब नहीं रहा। यार यहाँ पर मेरे पास दो पत्थर हैं, इसका वजन है 211 ग्राम, इसका वजन है 188 ग्राम। यानी गाइस ये पत्थर इससे भारी है। चलो इनको पानी में डुबो करके देखते हैं। लेकिन गाइस जिस पत्थर को आपने पानी में ना डूबते हुए तो बहुत ही बार देखा होगा लेकिन गाइस क्या होगा अगर हम इस पत्थर को दूध के अंदर डालें। क्या गाइस ये दूध के अंदर भी नहीं डूबेगा? चलो ट्राई करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस दूध को इस बर्तन में निकाल लेता हूँ। तेरे पत्थर दूध के अंदर भी बिल्कुल भी नहीं डूबा। फिर चलो अब हम इस पत्थर को नदी वाले पानी के अंदर डुबो करके देखते हैं। तर भी मैं आ चुका हूँ एक नदी पर। चलो अभी इस पत्थर को इस नदी में डुबो करके देखते हैं फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये पत्थर डूबता है या फिर नहीं। पर लिटरली ये जो पत्थर है यहाँ पर भी नहीं डूब रहा है और इसको मैं कितनी भी ऊंचाई से गिरा दूं फिर भी ये पत्थर वापस ऊपर आ रहा है। ये जो पत्थर है किसी मैजिक से कम नहीं है और कैसा है इसलिए इसे रामशिला भी बोला जाता है। और जब भी मैं इसको पानी के अंदर डुबोता हूँ तो गाइस ये पानी के नीचे से ऊपर इतना तेजी से आता है जैसे हमने किसी गुब्बारे को पानी के अंदर डाल दिया हो। यार आपको वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी और गाइस अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से करना। मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और इस तरीके और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।